जय भारत मी शीतल जागृती न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या विशेष घडामोडी। ऐतिहासिक प्रेरणादायी स्थळे पाहण्यासाठी इच्छुक आहात? हो, चला तर मग मैत्री इंटरेस्ट पॅसेस घेऊन आलेत आपल्यासाठी प्रेरणा दर्शन। ओ चला तर आपणही जाणून घेऊया इतिहास प्रेरणा दर्शन सोबत। दर्शक आप देख रहे हैं कि आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन आज फुलेवाड़ा में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ यूपी तक, मुंबई यूपी ऐसा बाहर स्टेट से लोग यहाँ तक आए हुए हैं माता सावित्री माई को अभिवादन करने के लिए। अभी हमारे साथ कुछ यूपी से आए हुए कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, उनका प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारत देश की जनता से भी और भारत देश की सरकार से भी कि जो 3 जनवरी का दिन है यह शिक्षा दिवस के रूप में अवकाश घोषित होना चाहिए और पूरे भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम शिक्षिका होने के कारण माता सावित्रीबाई फुले जी ने अगर ये बीड़ा न उठाया होता तो आज हमारी जो माताएं, बहनें, बहन बेटियां जो पढ़ रही हैं इनको वो अधिकार नहीं था, वो अधिकार नहीं मिलता। और एक महान कार्य जो सावित्रीबाई फुले जी ने किया, जिन्होंने कोई बच्चा तो पैदा नहीं किया लेकिन उन्होंने एक बच्चा गोद लिया और अपने जो उनका परिवार था, जो हम जाति बोलते हैं वो परिवार होता है, उन्होंने अपने परिवार में शादी न करके दूसरी जाति के परिवार में शादी किया, जो संदेश दिया वो आज हमें करना चाहिए। लोग ऐसे अंधविश्वास और पाखंड को त्याग दें और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पहले तो सभी को पता नहीं है कि सावित्रीबाई फुले है कौन, पहले उनके बारे में सब जाने और फिर उसके बाद उनके बारे में सम्मान अपने मन में पहले ही वो जगाएं। फिर उसके बाद जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें खुद ही समझ आ जाएगी करके कि क्या करना है आगे। उनकी वजह से आज कितने सारे जो भी लेडीज़ हैं वो सब कितने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, कितनी बड़ी। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और इसलिए मैं कह सकती हूँ करके कि गर्व से कह सकती हूँ कि उन्हीं की वजह से हूँ, वरना अगर वो नहीं ये पढ़ने का अधिकार देती तो मैं आज वहाँ पर पहुँचती भी नहीं। इसीलिए उनके लिए मेरा इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बल्कि मंदिर और मस्जिद में जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ आऊँ और यहीं मुझे वही शांति मिलेगी। आज माँ बहन बेटियाँ जो भी पढ़ रही हैं, माता पिता का श्रेय है नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जाता है। बार बार लगातार कितना भी अभिनंदन करें कम है, लेकिन यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग, 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाबाई फुले को मानते तो जरूर हैं लेकिन उनके विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनके विचारधारा पर काम नहीं करते हैं। तो आज के तारीख में उनकी विचारधारा पर काम करने की ज़रूरत है। उस ज़माने में सावित्रीबाई फुले ने खुद पढ़ा, अगर लोगों को वो पढ़ाती नहीं तो आज शायद हमारी माँ बहन बेटियाँ पढ़ नहीं पाती, और पढ़ नहीं पाती तो फाइटर प्लेन क्या, घर का हल भी नहीं चला सकती, घर की चक्की भी नहीं पीस सकती। इतना बड़ा अगर किसी का श्रेय है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का है। हम उस महातीर्थ पर आए हुए हैं जिन्होंने इस देश को इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके इतना बड़ा अवदान दिया है कि जिसको हम कभी भी भुला नहीं सकते। लेकिन हमें बहुत दुख है कि हमारा समाज और सरकार अभी दोनों सोए हुए हैं। आज का दिन तो ऐसा होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री हो और इस यहाँ आके मत्था न टेके, तो समझिए कि यह कृतज्ञता है ऐसे महान पुरुषों को। और आज मैं देखता हूँ कि किसी भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक ने शुभकामना तक नहीं दिया है इस जयंती की, और यह जयंती तो शिक्षिका दिवस के रूप में भारत सरकार, माने या न माने समाज तो जानता है कि आज शिक्षिका दिवस है और इसको सरकार को एक्सेप्ट करके इस पर आयोजन होने चाहिए। और पूरे गाँव में जब जो सावित्रीबाई फुले को जानेगा, जानते ही जैसे ही हम अपने महानायक महानायिका को जानेंगे, हीरो को जानेंगे, हीरोइन को जानेंगे, हमारे अंदर वो ताकत पैदा होगी कि हम इस देश को एक पवित्र, सक्षम, समृद्ध राष्ट्र बना पाएंगे। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम हीरो और हीरोइन मान बैठे हैं जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं और जो समाज के सामने जिनका कोई रोल नहीं है तथा कथित हैं, जब हम उनको अपना आदर्श मानेंगे तो हमारी हालत वो हो जाएगी कि हम सल्फास की गोलियां खाएंगे और सीने पर गोली खा करके देश के लिए बलिदान देने का जज्बा नहीं पैदा होगा। तो आइए आज संकल्प लें कि ऐसे असली हीरो, असली हीरोइन और ऐसे महापुरुषों को हम जाने पहचाने और लोगों के कि नींद हराम कर दें, लोगों के कानों में आवाज गूंजा दें कि सरकार और समाज दोनों को जागना पड़ जाए। सावित्रीबाई फुले जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, सभी महिलाओं को उसको आगे आके और अच्छे से करना चाहिए। एक टीम बनानी चाहिए बड़े पैमाने पे, जो उन्होंने कार्य अपने अकेले किया है उन सभी हमारे देश की महिलाओं को करना चाहिए।
इससे देश में एक महिलाओं का अच्छा और रास्ता मिलेगा और उनके पद चिन्हों पर चलने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो चालू हुआ है हमारे भारत में, वो सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सही मायने में अगर देखा जाए तो पहला जो कार्य किया था वो आज से 172 साल पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल पुणे में खोला था। अपने जीवन कार्यकाल में उन्होंने 18 स्कूल खोले थे विपरीत परिस्थितियों में। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, पैसा बहुत है भारत में मगर काम करने वाले नहीं हैं। मगर उन दिनों में हालात बहुत बियॉन्ड द कंट्रोल थे, फिर भी उन लोगों ने यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो सही मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। हमारी एक हिंदी फिल्म जो अभी रिलीज़ हो रही है, मुझे भी ये दुनिया देखनी है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के विषय पर बनी हुई है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के विषय पर बनी हुई है। आज हमने सवेरे यहाँ पर अपने फिल्म का पहला पोस्टर हमने यहाँ पर लॉन्च किया। ये फिल्म 24 जनवरी को हर जगह रिलीज़ हो रही है और हमने अपनी पहली फिल्म को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को समर्पित की है। आईआईटी के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में MBBS के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र IIT नांदेड़ और लातूर। जर आपण जागृती न्यूजला प्रथमच पाहत असाल तर जागृती न्यूजला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल।